सिंह वेस्टर्न सेक्टर में हो गई, जहां भारत और पाकिस्तान की फौजें युद्ध के मैदान में आमने सामने घटी थी। फिर आई 16 दिसंबर 1971 की वो सुबह, जब 17 पूना हॉर्स का सामना दुश्मन की 8वीं बटालियन से हुआ, जहां सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपनी टुकड़ी की अगुवाई करते हुए दुश्मन के डिफेंस को जीतते हुए उनकी इन्फेंट्री और टैंक ग्रुप पर कब्जा जमा लिया। इससे जुड़कर दुश्मन ने एकजुट होकर दुगनी ताकत से दोबारा हमला बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नेतृत्व में इसके बाद हुई घमासान में हमारी सेना ने दुश्मन के 10 टैंक उड़ा दिए, जिनमें से 4 तो अकेले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने ही नष्ट किए थे। तभी एक गोला उनके टैंक पर आ गया और उनका टैंक आग के गोले में तब्दील हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अपना टैंक छोड़ने को राजी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन के बाकी टैंकों को नष्ट कर दिया। उनका आखिरी निशाना उनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर ही था, तभी उनके टैंक में दूसरा गोला भी आ गया। और इसी के साथ वीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का नाम शहीदों में शामिल हो गया। उनके इस अदम्य साहस को देखते हुए भारत सरकार ने मेरे इस दूसरे सपूत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को भी परमवीर चक्र प्रदान किया।